तो क्या है मेरे प्यारे पहलो, तो पहले ये वाली क्लिप दिखा रहा हूँ, गौर से देखना, क्योंकि जो मैं कल वीडियो में एक बंदे के साथ किया था क्रॉस में जंप करने के बाद इमरजेंसी बैकपैक से, उस बंदे को मैंने मार दिया था। अब यहाँ पर सीन मेरे साथ भी वही होने वाला है, वो देखो। अब जैसे मेरे को बग्गी स्प्रे होती है, मैं यहाँ पर बग्गी पे एक स्प्रे लेता हूँ, तभी वो बंदा मेरे मुंह पे कूदता है। मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर साउंड नहीं आया था उस बंदे का। जो सीन में एक बंदे के साथ किया वही सीन मेरे साथ भी इधर हो गया था। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पर मेरा एक का तो माइनस पड़ गया था, मैं दूसरा गेम प्ले जो कि मस्त होने वाला है। और उससे पहले गेम प्ले से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरे बैकग्राउंड में कुछ भी कोई म्यूजिक या कुछ भी आ रहा हो ना साउंड अजीब सा, तो मैं उससे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ आप लोग से, क्योंकि इधर मशीन भी चल रही है यार, मतलब जो लकड़ी कटने वाली मशीन होती है वो चली जा रही है भाई, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर पे तो कुछ काम चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बग्गी कूदने के लिए मैं जंप करता हूँ, देखो बग्गी स्पॉट होती है उसको लेने ही जा रहा था, तभी यहाँ पर बंदा कूद जाता। अब तुम देखो क्या लगता है आप लोग को, यहाँ पर कितने का माइनस पड़ने वाला है? 98 बंदे अलाइव है, वो कितने का माइनस पड़ेगा? 30 या 40। और यहाँ पर तुम देखो अब ये बंदा मेरे को स्पॉट करने तो आया था, इसने मेरे को स्पॉट भी कर लिया था इजी, पर यहाँ पर जैसे तैसे मैं बच गया, तो कसम से जो हार्ड बीट थी ना वो काफी तेज हो गई थी, क्योंकि तो इतना ज्यादा प्लस लेने के बाद माना जब पड़ता ना, तो एक आधा घंटा नहीं एक घंटे की मेहनत जहाँ पर बर्बाद जाती ही जाती, ठीक है, क्योंकि माइनस बहुत ज्यादा पड़ता था, हो सकता है कि उसकी और भी ज्यादा मेहनत चल जाती है। अब जैसे तैसे यहाँ पर मुझे बोट मिलती है, और बोट लगने के बाद में यहाँ पर मैं लिपो करके साइड आता हूँ और यहाँ पर घर लूटता हूँ। अब यहाँ बंदा होगा ना तो भाई कसम से अब माइनस पक्का है, क्योंकि जहाँ मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है जाने का, जहाँ पर कोई होता नहीं, थोड़ा बहुत लूट करने के बाद पूरे घर लूटता नहीं हो, क्योंकि तुमको पता है बंदे होल्ड करके बैठे रहते हैं, लूटिंग करते हैं, वो लूटने के बाद काम चला, लूट मेरी हो चुकी थी, उसके बाद साइकिल मिल जाती है, साइकिल लेने के बाद पूरी कूप भी मिल जाती है, और कूप लेने के बाद यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर होल्ड करके खेलना था, क्योंकि यहाँ पर चिकन निकालने का फुल टू फुल ट्राई करना था, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, जितना हो सकता है फालतू का सामान जो भी होता है ना साइकिल वाइकिल अपने इसमें डाल दो गाड़ी में, डिग्गी में, क्यों बोल रहा हूँ ना, अगर कोई बंदा आपका डिग्गी का कभी भी कार या बैगी कुछ भी यहाँ पर फोड़ देता ना, तो कम से कम एक लास्ट ऑप्शन आपके पास है साइकिल का, उससे आप जा सकते हो। अब यहाँ मुझे बग्गी मिल चुकी थी, मैं रोटेशन ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे सर्कल जो मिलता की साइड बना हुआ था। अब यहाँ पर जो सीन होने वाला ना वो देखते हैं, कसम से आप लोग को मजा आने वाला वो देखो। अब बग्गी लेके मैं होल्ड करने आता हूँ, तो उनके सामने बंदा स्पॉट होता है, इस बंदे को ना कुचलना चाहता था, पर इस बंदे ने बाइक कसम से टायर फोड़ा ना, मैं कसम से बच ही गया हूँ, कैसे मुझे नहीं पता, बस बच गया हूँ। अब यहाँ पर जैसे तैसे मैं निकलता हूँ घर में, अगर घर में आ बंदा होता ना तो मेरी इधर पेटी होती ही होती, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, सर्कल में निकलता हूँ। अब रीजन क्या ना भाई, बहुत गंदा फंस चुका था मैं, अब सर्कल मेरे ऊपर था तो ठीक था, अभी सर्कल मेरे ऊपर है नो प्रॉब्लम, देखो बग्गी की स्पॉट होती है। जैसे इस बंदे को डैमेज देता हूँ ना, मैं इस बंदे पर रश कर देता हूँ, अब इस बंदे को मार देगा, मैं कसम से इतना ज्यादा खुश होता था, क्यों बोल रहा हूँ वो देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी लूट की मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं था, पर इस बंदे की जो मुझे बग्गी यहाँ पे मिल गई थी ना वो मेरे को सबसे अच्छी बात थी। अब सर्कल कहीं भी जा सकता है ना, मैं ईजी चाहूंगा बग्गी से, नो प्रॉब्लम, क्योंकि भाई अब मेरे पास यहाँ पर बग्गी है, तो मैं घर में आता हूँ, यहाँ पर होल्ड करता हूँ और यहाँ से इजी पहले बंदे स्पॉट करता हूँ, यहाँ पर 2-3 किल और इजी निकल जाए। तभी मेरे को यहाँ पर सामने बग्गी स्पॉट होती है, तो उसका टायर दिख रहा था, मैं उसके टायर यहाँ पर छोड़ देता हूँ और वेट करता हूँ। और काफी देर वेट करने के बाद मुझे बग्गी का साउंड आता जो कि रोड से आ रही थी, इसको जो उतार रहा हूं ना, आई एम सॉरी भाई, कसम से आई एम सॉरी भाई, गलती से उतर गया भाई सच्चे। अब यहां पर इस बंदे को मारने में जो पहाड़ी पे बंदा स्पॉट होता है, अब ये बंदा मेरे को गिरी छोड़ा था, मतलब मेरा ये कवर में था, तो मुझे लगा यहाँ पर कर देगी, पर ये बहुत ही ज्यादा कवर में था, इसको एक भी डैमेज यहाँ पर नहीं होता है। तो मेरे को सामने बंदर फोड़ा जो कि ओपन में भग रहा था, अभी बग्गी वाला वही था जिसका मैं टायर फोड़ा था, अब इसको डैमेज देने के बाद
यहाँ पर तुरंत अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ और इसको दूसरी लोकेशन से मारता हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि यहाँ पर भी ये बंदा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसका काफी देर तक वेट करता हूँ, यहाँ पर स्मोक भी हो गए थे, मैं समझ गया था बंदा बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका फुल टू फुल मैं भाई बंदे का वेट कर रहा था, कब निकलेगा, निकलेगा तो कभी ना कभी तो निकलेगा ही। उसके बाद आखिर में आके ये बंदा यहाँ पर निकल आता है। भाई कसम से इतना देर लगा दी इस बंदे ने, क्या बोलू। अब यहाँ पर बग्गी आती है, इसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, मैं तुरंत यहाँ पर घुस जाता हूँ। अब मुझे क्या लगा ना, ये बंदा बग्गी वाला वो है, पर ये वो बग्गी दूसरी थी और ये बंदा पता नहीं कहाँ निकल गया था, कभी सामने स्मोक हो रखे। मैं तुरंत यहाँ पर लूट करता हूँ, थोड़ा एमो उठाता हूँ, ऊपर निकलता हूँ ट्रिपल है, क्योंकि अभी जो मेरे पास सर्कल है। पर यहाँ पर सीन क्या होता है ना, समझ गया, बंदा स्पॉट होता है, इसको मार देता हूँ। एक बंदा मेरे को पीछे भी स्पॉट होता है, यहाँ पे इसको भी मारता हूँ। अब मेरी बग्घी के टायर में कोई और फोड़ चुका था, मतलब गंदा ही सीन हो गया था मेरे साथ यहाँ पे। अब सीन के देखो, अब देखो ये सिचुएशन कभी आपके साथ फंसती है ना तो वो ध्यान से सुन लो। जैसे कि अभी मैं सर्कल के बाहर हूँ, मेरे पे यहाँ पर बग्घी नहीं है, तो देखो मैं चीज कहना था, दूर दूर तो थोड़ा देख लो कि कहाँ पर बग्घी खड़ी तो नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर सामने बग्घी स्पॉट हो जाती है। अब मुझे कल को लगा तो कुछ रिस्क तो लेना, मरना ये ओपन में जाऊंगा तो यहाँ पर किस्मत अगर खराब अच्छी होगी तो बचूंगा, वरना यहाँ पर मुझे मरना ही मरना। तो यहाँ पर मैं बग्घी लेके सोचता हूँ सामने बग्घी है, बस वो फूटी ना हो किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पर उस बग्घी के पास क्लोज जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा मेरा एमो भी खत्म हो रखा था। अब जिस बंदे को मैं रोड के पास मारा था, मुझे उसको लूटना भी था, अभी मेरे पे यहाँ पर 30 सेकंड थी। तो यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ और सबसे अच्छी बात यही थी कि बग्घी का यहाँ पर टायर नहीं फूटा था। तो यहाँ पर 3 स्मोक करता हूँ, एक बग्घी के पास, एक बीच में, एक क्रेट के पास, क्योंकि अभी ये बग्घी कवर में, तब भी यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ अर्जेंट के लिए। और बग्घी को पहले चेक भी करता हूँ कि ये बग्घी सही है ना, बस ठीक है, क्रेट जाता हूँ, क्रेट को लूटता हूँ। भाई 2-3 सेकंड बचे, तुरंत यहाँ बड़ी मेडिकेट मारता हूँ और यहाँ पर भाई जोन स्टार्ट हो जाता है भाई सही में। आप यहाँ पर देखो, और उसके बाद यहाँ से मैं बग्घी लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि बंदे अभी सिर्फ 5 बचे हुए थे। अब यहाँ पर सीन करता हूँ कि बंदों का लोकेशन मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं था। तो यहाँ पर वेट करता हूँ और बग्घी घुमाता रहता हूँ, तो मेरे को सामने बंदे स्पॉट होते हैं। अब इसको सोचने का काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ पर नहीं होता, डैमेज करता, पीछे का टायर भी फूट चुका था। अब उधर सीन देखो, अब ये बंदा उतर के मेरे को नीचे मार दे, मुझे लगा सामने भी एक बंदा तो एक स्प्रे मारा था उसको मारूंगा, पर यहाँ पर कुछ अलग ही सीन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस, चलते हैं मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में।